हेलो। हाँ हेलो, कैसे हो? कहाँ गायब हो? कहाँ गायब होना है? तुम ही ने कहा था अपनी जिंदगी से जाने को, और शायद ठीक ही कहा। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है, तो फिर क्या जिद लगानी है? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतने साल बहुत होते हैं ये सब समझने के लिए। आई फील कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। मेरे लिए ये कुछ नहीं है पीछे अब। आई गेस तुम अभी नाराज हो, शायद इसलिए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। मैंने अपने घर वालों को कह दिया है कि वो जहां चाहे मेरी शादी कर दें। ठीक है मैडम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हो रहा हेलो तेरा मेरा हेलो सा ऐसे टूटे ना, उम्मीदों का ये हार दिल से छूटे अम्मी। वैसे आपने कभी हमारे लिए इतने प्यार से पुलाव नहीं बनाया। जब आओ शमीम बाजी के हाथ का सड़ा हुआ खाना का। आराम से, शमीम बाजी ने सुन लिया ना तो आइंदा इससे भी जाएंगे। बजी बजी जी, आपका फोन बज रहा है। अम्मी अपना फोन तो अपने पास रख लिया करें। कौन है? अरे हसीना पुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, आज तो सब अच्छे हैं। क्या हाल है सबके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ऑल गुड। भाभी, मैंने खास मुबारकबाद देने के लिए आपको फोन किया है। माशाल्लाह मुबारक हो, शामी की शादी की डेट फिक्स कर ही दी आपने। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं तो आज याद कर रही थी, बिल्कुल गुड्डे जैसा था शामी, हमने तो खिलाया हुआ है उसे। पुप्पो, आप तो अभी भी बहुत यंग लग रही हैं, ऐसी जैसे यहाँ से गई थी। थैंक यू। अल्लाह खैर करे, सारे घर वाले एक साथ बैठे हैं। किसकी कॉल है? आ गई भाई, हसीना पुप्पो की कॉल आई। हेलो हसीना पुप्पो। माय लिटिल प्रिंसेस, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। थैंक यू। और गर्ल्स, शादी की तैयारियां शुरू की? कहाँ, अजीब बोरिंग लोग हैं ये सारे। लो, ये क्या बात हुई? मैं तो बल्कि कहने वाली थी शादी में अभी 2 महीने हैं, तो क्यों ना शामी की मंगनी की रस्म कर दें। ये क्या, बस रिश्ता किया और शादी? थोड़े रस्म और रिवाज निभाए, लाड उठाए बहू के। जबरदस्त आइडिया, यहाँ तो अभी एक भी दिन कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। अरे भाई, 2 महीने बाद शादी जो है। तो क्या हुआ, मंगनी नहीं हो सकती क्या? आप सब इकट्ठे हों और रौनक लगाएं, हमें भी लें कॉल पर। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह जब मानूर आएगी वो सबको जानती होगी कि कौन कहाँ से आ रहा है। बस प्लान करें और मंगनी वाले दिन शामी की दुल्हन को सारी फैमिली से मिलवाएं, वो भी जान लेगी हम सबको। निदा, तुम कुछ बोलो ना, तुम्हारी बात तो नहीं टालती भाभी। जी जी, क्यों नहीं। अच्छा भाई ठीक है, मैं शाइस्ता बेगम से बात कर लूंगी और 1-2 दिन तक बता दूंगी जो भी तय होगा। बस जल्दी से डिसाइड करें और बता दें। बिल्कुल सही है। बाय बाय।